दोस्तों दिल्ली वर्सेस बैंगलोर मैच के दौरान कुलदीप यादव ने गाली गलौज की और ये गाली गलौज कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। अब दोस्तों क्या है पूरा माजरा बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। दरअसल दोस्तों आरसीबी के बल्लेबाजी की पारी के 12वें ओवर में दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने ग्लेन मैक्सवेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। खतरनाक दिख रहे मैक्सवेल को उन्होंने बाहर भेजा। खैर दोस्तों वो कोई बड़ी बात नहीं है, गेंदबाजों का तो ये काम ही होता है कि वो बल्लेबाजों को आउट करें, लेकिन हद तो तब हो गई जब कुलदीप ने मैक्सवेल को आउट करने के बाद उनको गाली दी। जी हाँ, जैसे ही मैक्सवेल आउट हुए तो कुलदीप के मुंह से थंबनेल में जो गाली है वो निकली और उनका ये रिएक्शन कैमरे में भी कैद हो गया। लेकिन दोस्तों तब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा किया क्यों, तो आपको बता दूं कि कुलदीप के इससे पहले वाले ओवर में मैक्सवेल ने उनको 23 रन मारे थे और उसी के चलते गुस्से में जब कुलदीप ने मैक्सी को आउट किया तो उनका ये रिएक्शन निकला। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, क्या ये खेल भावना के हिसाब से सही था या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।